हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मीना मेश्वरी। तो आज मैं आपके साथ ग्रीन टी फेशियल शेयर करने वाली हूँ। इस ग्रीन टी फेशियल के लिए मैं ले लूँगी 3 ग्रीन टी के बैग। एक मैं यूज़ करूँगी स्क्रब के लिए, एक स्टीम के लिए यूज़ करूँगी और थर्ड मैं यूज़ करूँगी फेस पैक और टोनर के लिए। इसे स्टार्ट करने से पहले छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। फेस पैक और टोनर के लिए गर्म पानी में ग्रीन टी बैग एक बाउल में रख कर उसे रख दें थोड़ी देर के लिए। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम फेशियल का मेन स्टेप स्टार्ट करते हैं, वो है स्क्रब। स्क्रब करने के लिए हमें ग्रीन टी बैग खोल लेना होगा एक बाउल में। ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये सूखी हुई होती हैं, इसलिए ये आपके फेस पर चुप सकती हैं। इसलिए इसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी, एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच हम पानी डालेंगे। जब ये थोड़ी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर, एक चम्मच। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके दाने थोड़े मोटे होंगे तो आपको थोड़ा क्रश करना पड़ेगा। उसके अंदर डाल दें एक चम्मच हनी, अच्छे से मिक्स कर लें। अब फाइनली रेडी हो गया आपका ग्रीन टी स्क्रब यूज़ करने के लिए। अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें किसी भी क्लींजर से और फिर जेंटली आप रब करें, फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करें, मींस स्क्रब करें। ग्रीन टी की जो ये पत्तियाँ होती हैं ना, इसका टेक्सचर की वजह से बहुत अच्छा स्क्रब होता है हमारी स्किन के लिए। 10 मिनट के लिए मसाज करें और फिर ऐसे ही 10 मिनट अपने फेस को छोड़ दें। आप इस फेशियल को वीक में एक बार ही ट्राई कर सकते हैं। ये जो ग्रीन टी का स्क्रब है ना, ये हमारी स्किन से डेल्सेस, डल्स, इम्प्यूरिटी और हमारे पोर्स को भी क्लीन करता है। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टीमिंग। स्टीमर है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई भी बड़ा बाउल लें, उसमें ग्रीन टी का बैग खोल कर उसके अंदर डाल दें। एक टॉवल से अपने सर को कवर करके आप स्टीम लें। स्टीम लेने के लिए आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है प्रोसेस जो कि है स्टीम। 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम लेने के बाद आप अपने फेस को वॉश ना करें, किसी भी टिश्यू से अपने फेस को थोड़ा सा ड्राई अप कर लें। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, फेस पैक। उसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे जो हमने ग्रीन वाटर पहले बना के रेडी कर रखा है, उसका पानी। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खाली बाउल, उसके अंदर मैं डाल दूंगी सैंडलवुड पाउडर। आप इसकी जगह पर राइस का आटा ले सकते हैं, 2 चम्मच, मीन्स चावलों का आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ 2 चम्मच। उसके अंदर हमें मिक्स कर दूंगी ये जो ग्रीन टी वाटर, 2 चम्मच। हमें एकदम पतला पेस्ट बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ग्रीन टी का ये बैग पड़ा है, इसको मैं काट के इसकी पत्तियाँ भी इसके अंदर डाल दूंगी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और ये रेडी हो गया हमारा फेस पैक। अब हमारे स्टीम लिए हुए फेस पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे एज अ फेस पैक की तरह। ग्रीन टी का फेशियल एक एंटी एजिंग और एंटी एक्निक फेशियल होता है। इसमें एंटी बैक्टीरिया के एजेंट होते हैं जो आपकी स्किन से सारे पिंपल्स को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन पे कोई भी निशान है वो भी ठीक हो जाते हैं और आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम निखर जाता है। आपकी स्किन क्लियर, सॉफ्ट, स्मूथ, सफल हो जाती है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें चाहिए होंगे 2 कॉटन पैड। 2 कॉटन पैड लेके आप ग्रीन टी के वाटर में उसको डिप करें और उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है आप निकाल लीजिए और फिर आप अपने आईज के ऊपर रख दीजिए। इससे आपकी डार्क सर्कल भी रिमूव हो जाएंगे और आपके आईज पे जो पफिनेस में सूजन वगैरह होगी वो भी कम हो जाएगी। आप कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगाकर 10-15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश करें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है। अब जो ग्रीन टी का वाटर बच गया हम इसे बनाएंगे टोनर। एक स्प्रे बोतल लें, उसके अंदर ये सारा पानी डाल दें, थोड़ा सा उसके ऊपर रोज़ वाटर डाल दें। स्प्रे बोतल नहीं भी, कोई भी नॉर्मल बोतल आप उसमें भी ये पानी डाल सकते हैं। फ्रिज में रख दें 1 वीक के लिए, 1 वीक के बाद नया बनाएं और एज अ टोनर की तरह आप इसे यूज़ करें और ये देखिए रिजल्ट। उसके बाद मैं यहाँ स्वीट आलमंड ऑयल ले लूँगी। टोनर अप्लाई करने के बाद कुछ कतरे में स्वीट आलमंड ऑयल के लेके अच्छे से अपने हाथ को रफ करें और अपने फेस पर टैप 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 करें और आप फिर इसको लगाकर सो जाए पूरी रात। मेक श्योर कोई भी आप फेशियल करते हैं तो रात के टाइम पर करें ताकि आपके फेस को रिलैक्सन महसूस हो, मीन्स अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। बाय।